तो पूजा करके आ गई मैं, अब जाती हूँ, पानी वगैरह पीऊँगी। और आज हम फास्ट रखते हैं, कुछ नमक नहीं खाते हैं, मीठा खा सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, नमस्ते, वेलकम। आप सबको वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामना। आज है वट सावित्री। वट सावित्री बिहार, यूपी, उड़ीसा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चूँकि मैं बिहार से हूँ तो मैं भी हर साल यह त्यौहार बहुत ही उत्साह से करती हूँ। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसको शेयर करूँ। पिछले साल का भी जो वट सावित्री व्लॉग था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, और आज का जो वीडियो है इसे ज़रूर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। वट सावित्री पति के लंबी उम्र के लिए की जाती है। आज वट सावित्री के दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ अपने लिए, आप सबके लिए। पूजा की थाली सजा ले रही हूँ। ये देखिए सुबह ये मैं फूल तोड़ के लाई हूँ। ठकुआ रहती है, ठकुआ लेके आ रही हूँ। ठकुआ मैंने रात में ही बना लिया था, तीज पे, जितिया पे, वट सावित्री पे ठकुआ बनता ही है, और मैं भी ज़रूर से ही बनाती हूँ। मैं यहाँ पे देखिए मैं ठकुआ बना रही हूँ। ठकुआ वट सावित्री में प्रसाद के रूप में ज़रूर से चढ़ाया जाता है। अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर से बनाइए, नहीं तो फल वगैरह से भी पूजा की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैं ठकुआ बना रही हूँ। ये देखिए मैं ठकुआ थोड़ा सा ही बना रही हूँ, बस प्रसाद के लिए ही बना रही हूँ। ठकुआ बना रही हूँ। यहाँ पर मैं ठकुए के लिए आटा गूंद रही हूँ। ये देखिए तब ठकुआ को मैंने ठोक लिया है, यहाँ पे सब बन गया। आप सबको एक करके तल लेंगे। थाली लगभग मेरी तैयार हो गई है। अब मैं एक दो काम और हैं वो कर लेती हूँ, फिर मैं निकल पड़ूंगी पूजा करने, क्योंकि वहाँ पे वट वृक्ष के नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे ही लेट होगा बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, 6 बजे से ही लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। ये आलता लगा लेती हूँ। ये देखिए ये लगाने वाला कितना अच्छा है। पहले एक डंडी लेके उसमें रुई लगा के फिर हम लोग लगाते थे, लेकिन अब ये देखिए बिल्कुल बना बनाया है। अब देखते हैं लगा के कैसा लगता है। ये देखिए इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वाह, अगर आप लोग को भी इस तरह का मिले आलता लगाने वाला तो ये लगाइए, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, नहीं तो वो जब इसे डंडी में रुई लगा के लगाते हैं ना उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये देखिए आलता लग गया। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा सुखा लेती हूँ, नहीं तो साड़ी पर लग जाएगा। जल्दी जल्दी बस अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचाना है, क्योंकि जैसे जैसे देर होती जाएगी ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है बाहर, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब देखती हूँ पेड़ के नीचे कितनी भीड़ है। अच्छी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लोग आते जाते हैं और फटाफट पूजा करके जाते जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तो बहुत ही नीचे नीचे पत्ते हैं, आराम से मैं तोड़ पा रही हूँ। यहाँ पे बरगद का जो पत्ता होता है उसका काम होता है। हमारे बिहार में तो बरगद के पेड़ के नीचे नीचे पत्ते होते ही नहीं हैं,
वो पहले ही लोग तोड़ लेते हैं, या फिर कई लोग घर में टहनी से भी पूजा करते हैं, तो वो पहले ही एक दिन पहले ही टहनी तोड़ के ले जाते हैं। जब हम लोग अपनी माँ के साथ बरसात पूजने के लिए जाते थे साथ में, तो पत्ते तो हम ही तोड़ते थे, तो नीचे के तो पत्ते होते ही नहीं थे। बहुत ही मुशक्क़त से हम लोग पत्ते तोड़ पाते थे। कोई डंडा किसी के पास होता था, उससे डाली को झुकाते थे और फिर तोड़ते थे। लेकिन यहाँ मुझे बड़ी आसानी से पत्ते मिल गए। यहाँ पे कोई मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग करते भी नहीं है, और बिहार में तो हर घर में होता है, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, हर घर में ये वट सावित्री का व्रत होता है। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, और पत्ते जो हैं उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए नीचे के पत्ते तो बिल्कुल मिलते ही नहीं हैं। तो ये इसमें पत्ते को 5-7 पत्ते को बिछा दिया जाता है, और उसमें जल से उसको थोड़ा सा धो देते हैं, और फिर एक पत्ता जो है उसको बाल में लगाते हैं, और इस तरह से पूजा जो है वो शुरू हो जाती है।
पूजा वगैरह ख़त्म हो गई, सब कुछ निपटा के अब मैं घर को निकल रही हूँ। मैं घर के लिए आ ही रही थी कि मंदिर प्रांगण में ही मुझे एक फ्रेंड मिल गई और देखिए उसने मुझे क्या दिया। कहने लगी, इतना सज धज के आई हैं, आपको ये एक चीज़ देती हूँ, ये लगाइए, बहुत सुंदर लगेगा। लग गया लीजिए तो नहीं उन्होंने मुझे ये गजरा लगा दिया, बहुत सुंदर लग रहा है, वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस गजरा। और अब मैं बिल्कुल गेट से बाहर आ रही हूँ और घर पहुँच गई। तो पूजा करके आ गई मैं, अब जाती हूँ कुछ पानी वानी पीऊँगी, और आज तो फास्ट है तो नमक नहीं खाते हैं हम लोग, बाकी चीज़ें खाते हैं। तो देखती हूँ क्या खाने के लिए बन पाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।